छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा क्षेत्र में एक सरपंच के दरवाजे पर रंजिशन हवाई फायर किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला को कई छर्रे लगे हैं। मामला बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सेंधपा के सरपंच देवीदीन उर्फ कलन अहिरवार के दरवाजे का है। उनके दरवाजे पर रंजिशन चार लोगों ने कट्टे से हवाई फायर कर दिए, जिससे सरपंच के लड़के और उसकी बहू को छर्रे लग गए। जानकारी के मुताबिक सरपंच देवीदीन उर्फ कलन अहिरवार के बेटे संजीत अहिरवार उम्र 27 साल निवासी सेंधपा ने थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शाम 6 बजे वह अपने घर के दरवाजे पर मां फूलाबाई, भाई प्रीतम, सचिन तथा चाची शांति अहिरवार के साथ बैठा था। तभी वहां पल्सर मोटरसाइकिल से माखन लोधी निवासी सेंधपा, इंदु घोषी बंधा, बीरपाल घोषी, अश्वेंद्र घोषी निवासी बर्मा आए और रंजिशन उनके पिता को पूछते हुए गाली गलौज करने लगे और फिर फायर करके भाग गए। फायरिंग की इस घटना में शांतिबाई नाम की एक महिला के हाथ में कुछ छर्रे लगे हैं, जिसकी जांच कराई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल घटना सर हुई है कि करीब 6 बजे की बात है, कल पुलिस के द्वारा मुझे फ़ोन लगाया गया कि बैठे थे तुम, मैं तो करीब 6 बजे निकल गया बड़ा मलहरा के लिए। उसी दौरान मेरे निकलते हुए करीब 5 बजे के पीछे 5 मिनट के पीछे और मेरे घर पर 4-5 लोग आए और उनने सीधे मेरे घर पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जो कि मेरे बेटे के बाएँ हाथ में गोली गली, मेरी बहू के बाएँ हाथ में छल्ले गली। और जब उनको पता लगा, उनको पहचानो, तो माखन लोधी, इंदु घोषी बंधा का, बीरपाल घोषी वर्मा का और एक घोषी और वर्मा का है, आसद में घोषी वर्मा का, इन लोगों ने हमारे घर पर आकर गोली चलाई और मुझे मारने के लिए काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं। मेरे पूर्व में मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी, इसलिए मतलब माखन लोधी पुराई बुराई के कारण मुझे कई बार मारने का प्रयास किया गया। एक साल पूर्व में मेरे घर पर गोली चलाई गई थी, उस समय राजा राम SDOP साहब बड़ा मलहरा में उपस्थित थे, लेकिन मेरी FIR नहीं लिखी गई थी। आज मुझे सुरक्षा की दृष्टि मांगा रहा हूं कि माननीय प्रशासन से मुझे सुरक्षा कराई जावे, मेरे परिवार की जान की खतरा है मेरे ऊपर। मैं वर्तमान में सरपंच हूं, मैं दलित वर्ग से आता हूं, मैं अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का किसान का सदस्य हूं। अति ऐसी स्थिति बनी रहती है तो मैं अपने परिवार को लेकर के यहाँ से पलायन कर सकता हूँ। मलहरा थाना अंतर्गत ग्राम सेंधपा से कल संजीत अहिरवार पिता देवीदीन अहिरवार ने रिपोर्ट किया है कि शाम के समय कुछ लोग इनके गांव आए, उनके पिताजी के बारे में पूछा और हवाई फायरिंग की है, और जिस पर से थाना बड़ा मलहरा में FIR दर्ज की गई। कितने लोगों पर FIR दर्ज है? ये चार लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें माखन लोधी, इंदु, बीरपाल और अश्वेंद्र आरोपी। इनकी गिरफ्तारी हुई क्या? गिरफ्तारी के लिए राशि लगातार दर्ज दी जा रही है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।